Hi guys, मैं हूँ दिव्या and you are most welcome on this channel Aesthetic दिव्या. मैं इस चैनल पे होम डेकोर एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ एंड आज के वीडियो में हम कुछ वॉल डेकोर से रिलेटेड DIY बनाने वाले हैं. तो बेसिकली हम 3 कैनवस आर्ट बनाने वाले हैं एंड ये जो कैनवस आर्ट हम बनाएंगे ये नॉर्मल पेंटिंग या एक्रीलिक कलर यूज़ करके कुछ हैक्स या कलरफुल बना लिया वैसा नहीं होगा. ये डिफरेंट होने वाले हैं, थोड़े क्लासी और एक्सपेंसिव पीसेस जो होते हैं उस टाइप के होंगे. एक्चुअली मैंने होम सेंटर एंड नील कमल होम्स में इस टाइप के पीसेस देखे थे एंड वो अराउंड 5000 से स्टार्टिंग थे, 15000 का भी था एक. तो मैंने उस टाइप का कुछ बनाने की कोशिश की है इन अ बजट ऑफकोर्स. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. तो मैंने अपने ये तीनों कैनवस भी खुद ही बनाए हैं एंड काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं अगर आप खुद बना लो तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने ट्राइंग वायरल पेंटिंग हैक्स वाला जो वीडियो था उसमें बताया स्टार्टिंग में. तो उसके लिंक मैं ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो यू कैन बाय कैनवस डायरेक्टली. तो कैनवस की भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो सबसे फर्स्ट कैनवस आर्ट के लिए मैं जो कैनवस यूज़ कर रही हूँ उसका साइज़ है 14.5 इंच बाय 19.5 इंच और मैं ये एक सिल्वर स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ और मैं इसकी लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो इसको मैं अच्छे से इवनली एक कोट कर दूँगी पूरे कैनवस पे एंड आप चाहें तो नॉर्मल कलर भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट कि स्प्रे पेंट यूज़ करना थोड़ा ईजी हो जाता है. तो अच्छे से एक कोट मैंने पूरी कर दी है, हमारा कैनवस पूरा सिल्वर हो गया है. अब इसके बाद मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ एंड ग्लू गन की हेल्प से मैंने एक सर्कल बना लिया है. पहले एज यू कैन सी मैंने सेंटर में नहीं बनाया सर्कल, मैंने थोड़ा साइड में बनाया है एंड अब उस सर्कल से मैं लाइन ड्रॉ करते जाऊँगी हर एक जो एजेस है उसको कनेक्ट करते हुए. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज, अपने अंदाज से जैसा ठीक लगे करते जाओ एंड बस ये ध्यान रखिएगा कि जो लाइन है ना आपकी वो वन गो में बनाओ, आप बीच में ब्रेक मत करना अदरवाइज वो ब्रेकिंग पता चलेगी. तो एक स्ट्रेट लाइन एक बार में बनाना एंड ऐसे करते हुए मैंने पूरी चारों तरफ लाइन बना ली है सारे एजेस को कनेक्ट करते हुए एंड अब ये ऐसा लग रहा है. अब इसके बाद मैं गोल्डन एक्रिलिक कलर यूज़ कर रही हूँ तो उसको मैं पेंट की हेल्प से जो सर्कल बीच में हमने बनाया था, सॉरी ब्रश की हेल्प से जो सर्कल हमने बीच में बनाया था उस पर मैं कर दूँगी, पेंट कर दूँगी एंड अब जो बाकी लाइन है उस पर मैं पूरा नहीं पेंट कर रही हूँ. सिर्फ एक तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जो अपन ने ग्लू गन की लाइन बनाई है सिर्फ उस पर पेंट करिएगा एंड जो सिल्वर पार्ट है नीचे उस पर मत करिएगा एंड वो लाइन भी मैं पूरी कवर नहीं कर रही हूँ, मैं बस उसका हाफ से भी कम ही कवर कर रही हूँ. तो इतना जब आप बनाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आएगा एंड बीच का सर्कल थोड़ा हाईलाइट होएगा एंड आजू बाजू बाकी जो लाइन है अपनी ग्लू गन की वो ट्रांसपेरेंट सी लगेगी एंड बहुत ही प्यारा इफेक्ट आ रहा है. तो अब इसको पलटा लेना है एंड पीछे साइड इसको फ्रेम्ड इफेक्ट देने के लिए मैं एक ये टॉयलेट पेपर रोल यूज़ कर रही हूँ एंड इसको 4 इक्वल पार्ट में मैंने कट कर लिया एंड उसको ग्लू गन की हेल्प से मैं 4 कॉर्नर्स में स्टिक कर दूंगी. तो इससे क्या होगा, ये जब हम वॉल पे हैंग करेंगे तो ये एकदम वॉल से टच नहीं होगा, थोड़ा ऊपर रहेगा तो प्रॉपर जो कैनवस होता है फ्रेम वैसा वाला लुक आएगा एंड इसको हैंग करने के लिए मैं एक थ्रेड यूज़ कर रही हूँ एंड उसको ग्लू गन की हेल्प से मैंने वहाँ पर स्टिक कर दिया है एंड इसके ऊपर अब मैं ये एक कोट वॉर्निश की लगा रही हूँ. इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो वॉर्निश हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो पूरी कलर्स हैं वो फिक्स हो जाए एंड अपने जो कैनवस है उसकी लाइफ भी इंक्रीज होती है इससे. तो ये प्रोसेस मैं तीनों ही कैनवस में करने वाली हूँ. नाउ कमिंग टू दिस स्टाइलिंग पार्ट, तो मैं इसको अपने लिविंग रूम में स्टाइल कर रही हूँ. अगर आपने लिविंग रूम मेकओवर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर कौन सा कॉर्नर है लिविंग रूम का एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइस. नाउ कमिंग टू द सेकेंड कैनवस, इस कैनवस का साइज है 13.5 इंच बाय 20 इंच और इस पर मैं गोल्डन स्प्रे पेंट कर रही हूँ. अगेन आप नॉर्मल एक्रीलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं. इस पर एक कोट अच्छे से गोल्डन स्प्रे पेंट की कर देनी है एंड उसके बाद मैं ये 3D लाइनर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का, ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा. तो इससे बस आपको अपने मन मुताबिक जैसा भी पैटर्न बनाना है बस बना दीजिए एंड ये सबसे ईजी कैनवस आर्ट है इस वीडियो का एंड सबसे क्लासी है. मतलब एक जो स्टेटमेंट पीस होता है ना आपके घर में ये बिल्कुल वैसा लग रहा था एंड बहुत ही सिंपल और इजी है ये. दैट्स इट, हो गया. अब बस मैं जो कुछ एक पॉइंट छूट गए थे उसको एक बार डबल कर रही हूँ बहुत ही केयरफुली एंड दैट्स इट, ये कैनवस आर्ट आपका बन के रेडी है. इस पर एक कोट मैंने वॉर्निश की कर दी अगेन एंड इट्स रेडी. एंड नाउ कमिंग टू इट्स स्टाइलिंग पार्ट, तो इसको मैंने अपने बेडरूम में स्टाइल किया है.
एंड बेडरूम का ये सेक्शन आपने बेडरूम मेकओवर वीडियो में ऑलरेडी देखा होगा. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक इट. मुझे तो ये बहुत ही सिंपल और क्लासी लग रहा है. एंड इसी तरीके का कुछ मैंने अपने बेडरूम मेकओवर वीडियो में बनाया था. ये इसमें मैंने बस 3D गोल्डन लाइनर यूज़ किया है. एंड बाय द वे दैट लैम्प इज़ अ DIY. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन. इसका कैनवस साइज थोड़ा बड़ा है. इट्स 28 इंच बाय 18.5 इंच. और इस पर थोड़े से बबल्स आ गए थे इसलिए मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ. ब्लैक कलर से उतनी रेगुलरिटीज पता नहीं चलती है. एंड वैसे भी बहुत ही क्लासी लग रहा था ब्लैक कलर. तो जब पूरा ये अच्छे से कोटिंग हो गई है ब्लैक कलर की, उसके बाद मैंने यहाँ पे पेंसिल से मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है. एंड यहाँ पे अब मैं पेपर टेप लगा रही हूँ. तो पेपर टेप हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि क्लीन एजेस रहें जो हम आगे करने वाले हैं उसके लिए. तो पूरा पेपर टेप लगाने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से लग रहा है. ये पैटर्न मैंने बनाया है. आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं. इसके बाद मैंने वाइट सीमेंट लिया है, उस पर थोड़ा वाटर ऐड किया है एंड थोड़ा फेविकॉल ऐड किया है. एंड थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है आपको. फेविकॉल आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ऐड कर लीजिए ताकि थोड़ी उसकी बाइंडिंग स्ट्रांग हो जाए. दैट्स इट. एंड अभी पेस्ट को मैं स्पून की हेल्प से वो जो हमने मार्किंग की थी उसके बीच में मैं लगा रही हूँ. बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है आपको. इनफैक्ट जितना ज़्यादा टेक्सचर रहेगा उतना ही ये अच्छा लगेगा. बस रफली लगाते जाना है. तो थोड़ा मैंने लगाया, उसके बाद आई रियलाइज़ कि मैंने ये वाले पार्ट में पेपर टेप हटाया ही नहीं था. तो वो मैंने फिर हटाया बिकॉज अदरवाइज वो वैसा लुक नहीं आएगा जैसा मुझे चाहिए था. एंड थोड़ा और लगाने के बाद आई अगेन रियलाइज़ कि मुझे ये वाले साइड का भी पेपर टेप हटाना है. तो ये प्रोसेस आप पेस्ट लगाने के पहले कर लीजिएगा. एंड बस अब रफली आपको पूरे उसमें पेस्ट लगा लेना है एंड उसको सूखने देना है थोड़े टाइम के लिए. उसके पहले आपको नाइफ़ की हेल्प से जो आपने पेपर टेप और पेस्ट के बीच की जो एंडिंग है उसको एक बार नाइफ से थोड़ी शार्प कर दीजिए ताकि जब आप पेपर टेप निकालेंगे तो वो ईजिली निकल जाए. एंड इसके बाद अब उसको सूखने दीजिए. ओवरनाइट में सूख गया था ये. तो अब सूखने के बाद मैं इस पर ऐसे दो पेपर रख दिए मैंने और अब मैं इस पर गोल्डन स्प्रे पेंट कर रही हूँ. पेपर इसलिए रखें ताकि ब्लैक वाले पार्ट में गोल्डन कलर ना जाए. एंड इस तरीके से मैंने पूरे उसमें गोल्डन स्प्रे पेंट कर लिया है जो हमने टेक्सचर बनाया था वो वाले पार्ट में. एंड अब इसके बाद जो पेपर टेप हमने लगाया था उसे रिमूव करना है केयरफुली. काफ़ी ईजिली निकल जाएगा ये. एंड जितना भी मेस हुआ है, थोड़ा बहुत ब्लैक वाला पार्ट थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उसको एक और बार मैं टचअप कर रही हूँ ब्लैक कलर को. एंड इसके बाद एक कोट वॉर्निश की कर दिए. एंड दैट्स इट. योर क्लासिक स्टेटमेंट पीस इज रेडी. एंड अब इसको स्टाइल करने की बात आती है. तो मैंने इसको स्टाइल किया अपने गेस्ट बेडरूम में. गेस्ट बेडरूम में जो आपने लास्ट मेकओवर वीडियो देखा था उसके बाद से काफ़ी चेंजेस हुए हैं. मैं शायद इसकी जो पिक्स है वो इंस्टाग्राम पे डालूंगी, यहाँ तो नहीं डाल पाऊंगी. सो स्टे कनेक्टेड देयर. सो आई होप आपको ये DIY कैनवस आर्ट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा. तो इन तीनों कैनवस आर्ट में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड अगर आप इसमें से कुछ भी ट्राई करते हैं तो मुझे पिक ज़रूर शेयर कीजिए. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज स्क्रीन पे भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. एंड अगर आपने पहले भी मेरे को ये DIY ट्राई किए हैं तो प्लीज़ मुझसे पिक शेयर कीजिए यार, मेरा दिन बन जाता है वो पिक्स देख के. एंड लेट मी नो आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं क्या. Let's see, I can do that. Or I think that's it for this video. See you soon here. Till then, bye-bye.